to shift stories very quickly from this story to a different one because on your screens you can see the cousin of Shrikant Tyagi addressing the media. उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी क्योंकि वही बात है कि वो हमसे ना मिले ना हम बाहर जा पाए. हमें तो पता ही नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है हमारे, बल्कि एक सेकंड भैया, हमारे पोर्च पे ही सब कुछ हो रहा था. ये जो बालकनी जहाँ पे ये सब कुछ तोड़ा है, सब लोग वहां पर ही आकर चिल्ला रहे थे. सब लोग, सोसाइटी के हर कोई इंसान वहां पर आके चिल्ला रहा था. उनके ऊपर उनको बिठाया गया, उनके साथ बदसलूकी बदतमीजी की गई. हमें तभी भी ये नहीं पता था कि ये लोग हैं कौन, ये ड्रामा आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें बाहर जाने की इतनी परमिशन नहीं है. लेकिन हमने सुना है कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट था, वो लोग जो यहाँ पे आए थे 10 से 15 लोग, उनका व्हाट्सएप से श्रीकांत त्यागी से लगातार की कांटेक्ट था. तो उनसे अगर वो कांटेक्ट होगा तो वो आप उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका किन से कांटेक्ट हो रहा है. आप यहाँ कह रही हैं कि त्यागी समाज से सपोर्ट की मांग कर रहा हूँ, 15 लोग आए थे लगभग आप ही के समाज के, उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी भेजी गई थी. हमें ये मालूम है कि उनका व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हो रहा था, तो आपको नहीं लगता ये इनडिफेंसिबल है जो आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं आप मेरा पॉइंट पकड़ ही नहीं रहे हैं सर. आप उसको अलग ही जरिए में लेके जा रहे हैं. मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए, जो हमें नहीं पता वो कौन थे, हमें भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वो त्यागी समाज के लोग थे. हमें नहीं पता कि वो कौन. आप अभी भी पूछेंगे मुझे उनके नाम नहीं पता. हमें भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वो त्यागी समाज के लोग थे, क्योंकि हम उनसे मिले ही नहीं, तो हमें पता कहाँ से चला होगा. दूसरी चीज कि अगर उनका कॉन्टैक्ट भैया से था तो वो आप उनसे जानिए, क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट तो भैया से नहीं है. हमारा तो किसी भी तरीके से भैया से कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो 10-15 लोग भेज रहे हैं. हमें तो कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि अगर हमें जानकारी होती तो हम शायद बाकायदा उनको एंट्री या जो भी है हम उनको घर तक लेकर आते, उनको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ना पड़ती हो. ऐसा होता ना, अगर हमें कॉन्टैक्ट में अगर हमें जानकारी होती कि लोग हमारे घर पे मिलने आ रहे हैं, तो हम खुद ये देखते ना कि वो हमारे घर तक सेफली आ जाएं, कि उनके साथ कुछ बवाल ना हो. आपको नहीं पता होगा, हो सकता है कि श्रीकांत जी ने उन लोगों को भेजा हो और अभी आप ही अपील कर रही हैं. आपको नहीं लगता कि समाज को इन्वॉल्व करना सही बात नहीं? एक एक शख्स से जुड़ा हुआ ये मामला है, उसने कुछ अपराध किया है जी. समाज को साथ ला रही है, तो इससे तो समाज को मैं साथ इसलिए ला रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सोसाइटी पूरी साथ है. यहाँ पे हम लोग ही अकेले हैं, हमारे समर्थन में कोई नहीं है, तो हमें कहीं से तो समर्थन चाहिएगा. और समाज इसलिए मैं लेकर आ रही हूँ क्योंकि जैसे मुझे पता चला था कि वो त्यागी समाज के थे, तो मैं यही समझती हूँ कि हमारा त्यागी समाज जो है वो हमें और भी हेल्प करेगा. जो हुआ वो हेल्प जी मुझे नहीं पता. आपने कुछ तो देखा होगा, बीजेपी के कोई नेता आते होंगे या उनके पास नेता? अब मैंने भी उनको सोशल मीडिया से ही देखा है. मैं अगेन ये बोल रही हूँ कि मेरा ज्यादा, आप कह रही है मैं उनकी कजन सिस्टर हूँ. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं उनकी रियल सिस्टर नहीं हूँ. आई एग्री, लेकिन आप कहती हैं कि ऊपर से मैं बीजेपी के कनेक्शन घर में आप मेरे को देखोगे, मैं सबसे छोटी हूँ. तो सबसे छोटा बच्चा जो होता है वो यही होता है, वो लाड़ प्यार में ही बड़ा होता है. तो उसके सामने ये सारी चीजें हमारी फैमिली में तो नहीं, आपका पता नहीं या किसी और का पता नहीं, हमारी फैमिली में तो ये नहीं होता. सबसे छोटे बच्चे के सामने बेसमेंट में नीचे जो दरवाजा बनाया गया वो भी इंक्रोचमेंट में आ रहा था, उसको बाद में बंद करवाया गया. उसकी सारी डिटेल्स मैंने एक चैनल के थ्रू बाहर निकलवाई है. आप सबको बता दीजिए क्या डिटेल्स है. वो ये है, वो रेसिडेंट्स का कहना है कि वो अलाउड नहीं है जो बनाना, और वहाँ पे गेट भी बनाया. बंद किसने करवाया? बंद भी हमें नहीं पता कि किसने करवाया है, क्योंकि मैं तो घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ. मैं नीचे गया था बेसमेंट में, वो बंद कराया गया है. जब मैंने उसको छुआ तो वो हाथ पे मेरे उसका पेंट आ गया. इसका मतलब कि वो आज या कल में तो हमारे एक सेकंड हमारे यहाँ पे ना कोई हमारे पास मेल सपोर्ट है, ना ही हमारे जितने भी सारे मैनेजर्स और सर्वेंट्स है वो सब पुलिस के पास है. तो ऐसा तो है नहीं कि हम करवा रहे हैं. हमारे को तो पता नहीं कि कौन करवा के जा रहा है या किसके द्वारा हो रहा है. दरवाजे की सच्चाई ये है कि दरवाजे अगर जिसे आप मैं बता रही हूँ मैंने चैनल के थ्रू वो निकलवाया है कि एक्चुअल वो तहखाना जो बोल रहे हैं वो कि क्या है. आप उसमें देखेंगे बेसमेंट में तो उसमें हमारा सिर्फ बड़ा बड़ा यूजलेस सामान रखा हुआ, वो हमारे लिए स्टोर रूम है. और आप देखेंगे कि वो सामान जो रास्ता जा रहा है बेसमेंट का घर के अंदर से, जिसको खुफिया रास्ता बोला जा रहा है, पहली बात तो वो खुफिया रास्ता नहीं है, वो सारे ग्राउंड फ्लोर के पास है. इनके पास भी होगा जरूर, ठीक है. वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास है, वो खुफिया रास्ता नहीं है, वो बिल्डर ने खुद बना के दिया है. दूसरी चीज ये कि उस रास्ते के थ्रू अगर आप देखेंगे कि इतना बड़ा सामान ले जाना जरूरी नहीं है. तो हमने जो वो बनवाया था, हमारा मेन पर्पस यही था कि जो बड़ा सामान हो, क्योंकि बेसमेंट काफी बड़ा है, तो हमारा जो यूजलेस और बड़ा सामान हो वो हम आराम से नीचे शिफ्ट कर पाए.
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो रास्ता घर के अंदर से सीढ़ियों के द्वारा है वो उस रास्ते से बड़ा सामान शिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक आपके सवाल, ये आरोप लग रहा है कि जो गार्डन है उस पर कब्जा कर रहे थे, गार्डन पर खुद ही प्लांट्स लगा रहे थे। जी, इसका ये अगर कब्जा करना होता तो हम दीवारों से करते, प्लांटेशन से कब्जे नहीं किए जाते मैम। प्लांटेशन से कब्जे कभी नहीं किए जाते, प्लांटेशन सिर्फ सुंदरता के लिए किए। लेकिन श्रीकांत जी खुद इस वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि मैंने खरीदा ये प्लॉट, आप कह रही हैं कि प्लांटेशन से मैं तो नहीं कर सकता। तो अगर उन्होंने आपकी बात को मैं बेस बना के बोल रहा हूँ, श्रीकांत जी उसी वीडियो में दिख रहे हैं कहते हुए कि मैंने ये प्लॉट को खरीदा हुआ, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो वो मुझे नहीं पता उन्होंने किस बेसिस पे कहा है, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है मैं वही ये बता रही हूँ कि ये प्लांटेशन से कोई एनक्रोचमेंट नहीं होता। आप डिफेंड कर रहे हो, आपको लगता है छुपना गलत है, अब सामने आ जाना चाहिए, उनको काफी दिन हो चुके हैं, 4-5 दिन। जी, हम खुद बोल रहे हैं, हम सबसे अपील, मतलब सारे मीडिया चैनल से अपील यही कर रहे हैं कि आप प्लीज बाहर आइए और मतलब हमको भी इस सबसे, ये जो सारा ड्रामा चल रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स इश्यूज हमारे साथ किए जा रहे हैं या प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ रहा है, उसमें भी हम थोड़ा आराम मिले। जी, हम बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन उस वीडियो के बारे में मुझे एक चीज जरूर बोलनी है कि आप देखेंगे कि जो महिला के साथ अभद्र भाषा प्रयोग की जा रही है, भैया ने की है, जो वीडियो बनाने वाला वो कौन शख्स है आपने कभी सोचा है? वो उस महिला के पति हैं। ओके, आई एम नॉट शूटिंग द मैसेंजर, लेट मी प्लीज कम्प्लीट माई सेंटेंस। अगर एक ये चीज देखिए कि अगर आपके घर की महिला के साथ कोई इतनी गंदी तरीके से बात कर रहा है, इतनी गाली गलौच दे रहा है, आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन ये होगा कि आप भी जाएंगे कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। वीडियोस बनाने वाले वहां पे बहुत हैं। अगर हस्बैंड बाहर आते तो हम ये मानते कि हस्बैंड भी वहां पे वीडियो बना रहे, वीडियोस बनाने वाले एक इंसान ने वीडियो नहीं बनाई है, वीडियोस बहुत लोगों ने बनाई है। आप ये कह रही हैं कि ये पूरा प्लान किया गया था? जी हाँ, ये पूरा प्लान ही किया गया था, ये कुछ भी क्योंकि ये देखिए अगेन वो डिफेंडिंग वाली हो जाएगी, लेकिन हम उनके जो उनके वर्ड्स हैं हम उनको डिफेंड नहीं कर रहे, जो उनका बिहेवियर था एक महिला के प्रति वो हम डिफेंड नहीं कर रहे। लेकिन आप ये चीज भी सोचिए कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, उनको मतलब जानबूझकर बाहर बुलाया गया था, जहां तक मुझे पता है उनको जानबूझकर बाहर बुलाया गया था, उनसे पहले उनसे जानबूझ के बाहर बुलाकर उनके साथ कुछ क्या कहते हैं बहस वगैरह की गई थी। जिस हो गया कि पूरी सोसाइटी दुश्मन बन गई और उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जाने लगी। आप कह रहे हैं कि पति को सामने आकर के बोलना चाहिए था, लेकिन यही तो रेसिडेंट्स का कंप्लेन है कि इनका इमेज ऐसा था, इनका इमेज और इनका रुतबा ऐसा था, इनके पावर इतने थे, इनके बाउंसर का पावर इतना ज्यादा था पास में, लोगों को मेहनत नहीं होती थी, उनके पास वीडियो बनाने का ही ऑप्शन था। क्या उस वक्त क्या कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक चीज की वही अगेन 100 बातें हो रही है। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि स्विमिंग पूल में भी वो बाउंसर लेके जाते थे, जिम में भी वो बाउंसर लेके जाते थे। अभी अगर मैं नीचे भी गई थी क्योंकि मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करना चाहती थी एज अ प्रूफ कि वो बाउंसर लेके कभी जिम में तो गए ही नहीं, क्योंकि जिम में ही जाते थे वो। और स्विमिंग पूल तो आप ये मानिए कि यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ भी मेरे को यहाँ आता है, वो इंसान 6 फुट आदमी वो स्विमिंग कर पाएगा क्या उस स्विमिंग पूल में? तो भैया कभी स्विमिंग पूल में जाते ही नहीं थे, उनका सिर्फ जिम से मतलब था। और जिम में भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाना चाहती थी, लेकिन जो यहाँ के गार्ड्स हैं उन्होंने बोला कि ये डायरेक्ट पुलिस को ही जाएगी सारी वीडियोस, इसलिए वो कुछ भी किसी को भी ना हमको ना उनको किसी को भी कोई भी तरह की वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज ये यहीं पे प्रूफ हो जाता बहुत सारी चीजें। तो श्रीकांत